जनरल सेक्रेटरी मैम मनदीप कौर जी, हमारी डीडीसी चेयरपर्सन संसाद शाम जी और दूसरे हमारे डीडीसी के मेंबर जगवीर जी हैं, सफी साहब हैं और आई हुई यहां की आवाम, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दो अच्छी खबरें हैं, बहुत अच्छी, मतलब आपके लिए गुड न्यूज है, वो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैम खुद ही अनाउंस करेंगी। मैं सिर्फ एक ही चीज अनाउंस करूंगा कि आपका ये इलाका काफी टफ है और ये रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फेमस है, तो मैं इस इलाके में जो है वो एक टूरिंग भी करूंगा नेक्स्ट 10 से 15 दिन में। तो जितनी भी आपके ये खासकर जो हमारे नेशनल हाईवे से लेकर और सनासर के बीच में जितने भी गांव हैं, इन गांव का मैं जो है वो दौरा करूंगा 10-15 दिन के बाद और जो भी मसले मसाइल होंगे उनको जो है वो हल किया जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी बहुत जो अच्छी इम्पोर्टेंट न्यूज जो है वो मैम खुद ही अनाउंस करेंगे। थैंक यू। और मैं इस डाइस से भी ये भी प्रिविलेज लेता हूं कि मैं पर्सनली मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैम खासकर सनासर अगर हम देखें तो ये जो हमारा इलाका है इसमें बहुत सारे लोग हमारे ट्राइबल भी रहते हैं और उन ट्राइबल लोगों की वजह से जो यहां पे हमारी देवदार है खासकर, या चीड़ है, या पाइन की जो फॉरेस्ट है, या हमारे जितने भी वाटर के रिसोर्सेज हैं, ये अगर बचे हुए हैं तो हमारी जो सनासर की ओवरऑल यहां की जो बरादरी है, जो लोग हैं यहां पे, ये उनकी वजह से बचा हुआ है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसका यहां पे बचना या कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा होना तो ये पिकनिक स्पॉट नहीं रहता। तो मैं यहां के लोगों को इस चीज के लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। बाकी दूसरी चीज है, दो चीजें के ये हमारा रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है इसमें जितने भी, क्योंकि रामबन की जो धरती है वो खासकर जो यहाँ पे स्थान है उनके लिए बड़ी मशहूर है। इवन मेरे रेजिडेंस के अंदर भी वो स्थान है, डीसी ऑफिस के अंदर भी वो है और जगह जगहों पे ये स्थान है जहाँ पे लोगों की श्रद्धा है, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं और वहां पे अपने जो रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो भी करते हैं और मनाते भी हैं। तो उस वजह से जितने भी हमारे जो खासकर ये फॉरेस्ट का जो एरिया है उसमें जितना भी हमारा जो ग्रीनरी है वो ग्रीनरी इन्हीं की वजह से है। तो उसमें मैंने फॉरेस्ट वालों से भी रिक्वेस्ट की थी कि हम इसमें क्यों ना जो है वो फॉरेस्ट की रोड डेवलप करें ताकि आप जो है वो कम पेड़ इसमें नुकसान हो हमारे, और जो कटाई है पेड़ों की कम से कम भी, जो अभी जिस रोड की बात कर रहे थे तो उसमें लगभग हमारे 2000 के करीब देवदार के पेड़ जा रहे हैं, तो वो पेड़ जो है वो ना कटें ताकि आपकी जो एक बेसिक मिनिमम रोड जो है जिसको हम टाटा मोबाइल रोड जो है, तो वो फॉरेस्ट के जरिए से मैम वो जो है हम डेवलप करेंगे ताकि टूरिज्म भी रहे और प्लस जो टूरिज्म जिस वजह से यहाँ पे है फॉरेस्ट की वजह से वो भी बचा रहे।